लाइब्रेरी है, ये टोटल 60 सीटर लाइब्रेरी हमने बनाई है। यहाँ पर हमने टोटल सारे बच्चों के लिए वाईफाई की व्यवस्था है, तो हम बच्चे से कम्युनिकेशन दे रहे हैं, पेंट ऑफ साइलेंट ये पूरा माहौल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मुरादाबाद की मोहल्ला जयंतीपुर व सूर्य नगर के बीच में शिव मंदिर के पास SRS यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन हब के नाम से एक लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर सिंघानिया जी ने बताया कि मुरादाबाद के अंदर बहुत बहुत महंगे इंस्टीट्यूट हैं, जिससे जो आर्थिक स्थिति के बच्चे हैं वो क्लास नहीं ले पाते हैं। हमने इसी को देखते हुए मुरादाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट चालू किया, जिसके अंदर हमने मात्र 500 रुपये की फीस रखी, जिससे कि सभी प्रकार के बच्चे अपनी कोचिंग क्लास सही से प्राप्त कर सके और उनको फीस को लेकर कोई दिक्कत ना हो, यही सोचकर हमने ये इंस्टीट्यूट चालू किया। हमारे यहाँ वो बच्चे भी क्लास ले सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए भी हमारे पास सुविधा है। सिंघानिया जी ने बताया कि हमारे एक बैच में कम से कम 60 बच्चे होंगे और 2 बैच लगाए जाएंगे। वहीं हमने बच्चों से भी बात की तो पता चला कि मैं यहाँ 500 रुपये फीस ली जाती है और सभी प्रकार के बच्चे को मेहनत के साथ कोचिंग क्लास सिखाई जाती है। इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, उसके बाद आपकी लैंग्वेज हो जाती है, MS Office हुआ, सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा सॉफ्टवेयर आपको कराया जाएगा, सॉफ्टवेयर C++ है, इसकी भी आपको प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी, जिससे आप यहाँ पर पूरा कंप्यूटर सही है, ये ले लो। अब इनको एक बराबर ला जी, ये है ठीक। सर इंस्टीट्यूट का नाम है SRS लाइब्रेरी, जो अपना इंस्टीट्यूट खोला है वो लाइन पर जयंतीपुर और सूर्यनगर के बीच में पंचमुखी मंदिर के पास। सर हमारा ये मकसद है कि जो बच्चे गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इस जगह पे इंस्टीट्यूट को खोला है। इसमें कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बच्चे तैयारियाँ करेंगे, जैसे कि UP गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है, लेखपाल है और BDO है, UP पुलिस है, UPSI है, इस टाइप। सर इसको हम जो है 12 घंटे चलाएंगे क्लासेस, 2 बैच में 6-6 घंटे की क्लासेस, 60 बच्चे। सर एक्चुअली जो शहर के अंदर बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनकी फीस बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, ये सब सोचकर ही मैंने इस एरिया में इस कोचिंग सेंटर को स्थापित किया गया है। जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाएं कॉम्पिटिशन की तैयारी करके, उनको अच्छी सा माहौल देकर हमने कम फीस में इसको यहाँ पे स्थापित किया है। सर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चे गरीब हैं या जिनको स्टडी के लिए कोई मौके मिलने की कोई जगह नहीं है, जो ज़्यादा फीस दे करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमने उस माहौल को ही बनाते हुए यहाँ पर इसको फंड किया है। सर ये हमने सिटी और सिटी के बाहर से भी, मुरादाबाद उसके आसपास के भी शहर के बच्चे हमारे यहाँ स्टडी के लिए आ सकते हैं, इसके लिए हमने कोई दायरा नहीं रखा गया है। हमारा मेन मकसद सिर्फ है कि गरीब जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन की पीक है, उन सब बच्चों के लिए हमने कम फीस में इस चीज़ों को लेकर के सारी फैसिलिटी दी गई है। टीचर्स हैं जो बच्चों को प्रिपरेशन कराएंगे, इससे रिलेटेड सारी पढ़ाई हमारे यहाँ पे है। सर इसके अलावा जो बच्चे आजकल कम एग्जामिनेशन निकालते हैं एडमिशन के लिए, नीट का एग्जाम है बच्चे का, और IIT है, IIT है, इस टाइप के एग्जाम है जो लखनऊ में चल रहा है, ये सेकंड ब्रांच यहाँ पर हमने इसको खोली। सर मकसद इसका ये है कि जो हमारे आज के समय में बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि काफ़ी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसे की वजह से,
कहीं पर उनकी गोली में परेशानी हो सकती है, कहीं घर की स्थिति खराब हो सकती है। तो हमने ये इसलिए स्टार्ट किया है कि इसके द्वारा कम फीस के द्वारा बच्चे आराम से बैठ के, ताकि जो व्यवस्था मिलेगी तो किताब के द्वारा या मोबाइल, आज का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा है, मोबाइल यूट्यूब के द्वारा अपनी पढ़ाई को लगातार से चला सकता है या अच्छे से उसको कर सकता है। मतलब कंपटीशन तैयार करने के लिए आया हूँ, जैसे कि सर मैंने और कहीं सेंटर पर मैंने कोचिंग पढ़ी है, जिसमें कि सर मुझे इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाई वहाँ पर, और एक्चुअली सर फीस का भी ज़्यादा हैवी फीस थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सुना, मैं सबसे बात करी, काफ़ी टाइम से पढ़ी करा हूँ, जिसमें कि सर यहाँ पर नॉर्मल फीस है बिल्कुल, वैसे ही 5,000, जिसमें कि सर मेरा अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर सुविधा भी अच्छी खासी है, एसी, वाईफाई, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। जी सर मैं ग्रुप बी की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ। जी सर मैंने और सेंटरों की तैयारी की है, जिसमें सर वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिल पाई मुझे, यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट किया, मुझे अच्छी सुविधा मिली यहाँ।